नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री से जुड़े किसी सुपरस्टार से जुड़े ताज़ा तरीन खबरें, जो लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं पहली खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री के जुबली स्टार निरहुआ से। पहली बार निरहुआ अपनी नई हीरोइन नीता के साथ लाइव आए अपनी फिल्म के सेट से। पोखर, नेपाल के पोखर में वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसका नाम है शेर हिंदुस्तान। और इस शूटिंग के दौरान ही निरहुआ और उनकी हीरोइन लाइव आए, जहाँ से अपने दर्शकों से, अपने फैन से निरहुआ ने अपनी नई हीरोइन को रूबरू करवाया। और जिसने भी वो लाइव का वीडियो देखा, सभी को दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि नीता बहुत खूबसूरत है और निरहुआ के साथ उनकी जोड़ी बहुत जमती हुई नज़र आ रही है। और निरहुआ भी इस दौरान काफ़ी खुश नज़र आए। तो दोनों की ये शूटिंग का एक गाना शूट हो भी चुका है, रोमांटिक गाना, जिसे आप लोग हो सकता है जल्द ही देखें। लेकिन इस लाइव आने के दौरान निरहुआ ने एक बात का और खुलासा किया कि ये फिल्म भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी शूटिंग वो जल्द ही कम्प्लीट करने वाले हैं। तो हम निरहुआ के लाइव आने से ही जुड़ी एक खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार निरहुआ इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक आपको निरहुआ की फिल्में देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें हमेशा की तरह आपको निरहुआ के साथ आपकी चहेती आम्रपाली भी देखने को मिलेंगी। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें निरहुआ के साथ आम्रपाली नहीं बल्कि नेपाल की वादियों की खूबसूरत अभिनेत्री नीता दुंगुना नजर आएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में नीता के साथ शूटिंग करने के दौरान फ्री होते ही निरहुआ नीता के साथ पहली बार लाइव आए, जहां उन्होंने अपने फैन से नीता को रूबरू करवाया। जाते जाते बता दें कि ब्लू रंग के आउटफिट में नीता बड़ी ही सुंदर लग रही थी। दोनों ने लाइव आकर यहां अपनी फिल्म के बारे में सभी को जानकारी दी और कहा कि दोनों जल्दी ही इस फिल्म के साथ दर्शकों के बीच आने वाले हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि नीता को अभी भोजपुरी भाषा ठीक से नहीं आती, लेकिन शूटिंग करते समय नीता को जरा भी परेशानी नहीं हो रही है। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो निरहुआ से ही जुड़ी हुई है। आप लोग देख रहे होंगे कि बीते कुछ दिनों से निरहुआ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। एक तो लगातार फिल्म की शूटिंग, ऊपर से फिल्म रिलीजिंग और शशिकांत के किए गए पोस्ट ने तो जैसे बवाल ही मचा दिया। उसके बाद से निरहुआ हाल ही में ये सारी टेंशन छोड़कर पहुँचे हैं महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ उन्होंने खूब पूजा अर्चना पाठ की है। वैसे हमेशा अगर उनको देखा जाता था अभी तक पूजा पाठ और मंदिरों में, तो आम्रपाली के साथ पहुँचा करते थे, लेकिन इस बार अकेले ही पहुँचे हैं और एक फ़ोटो भी पोस्ट किए हैं और बेहद खुश नजर आए। ऐसा लगा जैसे सुकून जिंदगी भर का उन्हें वहां मिल गया हो। और एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म बॉर्डर को जो सफलता मिली है और आगे जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए हो सकता है निरहुआ प्रार्थना करने गए हों। लेकिन हम निरहुआ की इस तस्वीर से जुड़ी एक खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज अपने इंस्टा पर एक फोटो शेयर की है, जिस फोटो में दिनेश लाल यादव निरहुआ उज्जैन के प्राचीन मंदिर महाकालेश्वर पहुंचे हुए हैं। जी हां, निरहुआ ने अपनी फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, जब सुकून नहीं मिलता देख लेवे के बस्ती में, डूब जाता हूँ महादेव की मस्ती में, हर हर महादेव। और निरहुआ ने जो फोटो शेयर किया है, उस फोटो में निरहुआ उज्जैन के किसी मंदिर में साधु के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। वैसे निरहुआ का इस समय पर मंदिर जाने की वजह उनकी नई फिल्म की सफलता की मांगी गई मन्नत मानी जा रही है। जी हां, इस समय पर निरहुआ अपनी फिल्म शेर हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे हैं और निरहुआ को इस फिल्म में काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आनी चाहिए। और देखते हैं कि आखिर क्या ये फिल्म में वाकई लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिल पाता है, क्योंकि निरहुआ इस फिल्म में पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री की नई हीरोइन नीता के साथ नजर आने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव को आपने अभी तक कई सारी फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों से वो लोकप्रियता अभी बटोर चुके हैं, लेकिन इससे पहले उनकी लोकप्रियता उनके गानों की वजह से ही हुआ करती थी। उनके कई गाए हुए ऐसे गाने हैं जो अभी तक अब काफ़ी चर्चित हैं, इन्हीं में से एक गाना था लगा के फेयर लवली रितु सिंह के साथ। उस समय खेसारी की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी जब इनकी फिल्म आई थी मेहंदी लगा के रखना। और अब
ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा के अब लेकर आए हैं ये एक नया प्रोडक्ट और बोरो प्लस पे ही इन्होंने गाना बना दिया है। जी हाँ, नए प्रोडक्ट बोरो प्लस इनके गाने में शुमार हो गया है और हमेशा फैशन ब्यूटी पर गाने बनना इनके लिए आम बात है। सैंडल के हील से लेकर टेम्पू से आली जाली, फेयर एंड लवली लगावेली और बोरो प्लस लगावेली, चेहरा चमकावेली, ऐसे कई गाने इन्होंने गाए हैं और एक बोरो प्लस गाना भी इन्हीं में से एक है जो आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग फिल्म राजा जानी में। लेकिन फिलहाल ये गाना ऑडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज हो गया है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो वेब म्यूजिक से आप लोग ये गाना को सुन सकते हैं और अगर आप लोग वीडियो सॉन्ग देखना चाहते हैं तो वो फिल्म रिलीज होने के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल 6 जुलाई को आप लोग इस फिल्म को सिनेमाघर में देख सकते हैं। हम लेकर हैं खेसारी के इसी नए गाने से जुड़ी एक खास खबर, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायकी के सरमोर खेसारी लाल यादव अपनी गायकी से हमेशा ही सभी का दिल जीतते आए हैं। इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में खेसारी व्यस्त हैं, लेकिन इनकी कई सारी फिल्में आने वाले दिनों में रिलीज भी होने वाली हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है जिसका नाम है राजा जानी, जो आने वाली 6 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी फिल्म का एक गाना हाल ही में एंटरटेन म्यूजिक पर रिलीज कर दिया गया है ऑडियो सॉन्ग के रूप में, जिसके बोल हैं लगावे बोरो प्लस। वेल, अगर आपको याद हो तो खेसारी का एक गाना फेयर लवली लगा के फेयर लवली भी बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, जिसमें ऋतु सिंह के साथ खेसारी नजर आए थे। और अब एक बार फिर से खेसारी ने क्रीम बोरो प्लस पर गाना बना दिया है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि फेयर एंड लवली की तरह ही लोगों को बोरो प्लस वाला गाना कितना पसंद आता है। वेल, जाते जाते बता दें कि खेसारी के इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से रिलीज किया गया है, जिसे कुछ ही घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कुछ घंटों में इसे अच्छा खासा लोगों ने देख लिया है। उम्मीद है गाने के व्यूज़ अच्छे जाएंगे आगे चल के और फेयर एंड लवली की तरह ही इस गाने को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है खेसारी की बेटी कीर्ति से। कीर्ति ने अब कुछ दिनों पहले अपनी एक बॉर्डर का फिल्म प्रमोशन किया था, निरहुआ की फिल्म का, जहाँ उन्होंने निरहुआ को अपने बड़े पापा बताया था। आपको याद होगा लाइव आए थे खेसारी और उनकी बेटी, जहाँ कीर्ति ने ये शब्द कहे थे कि मेरे बड़े पापा की फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और ठीक उसी तरह से कीर्ति ने एक बार फिर से पवन सिंह को भी अपने बड़े पापा कहा है, पापा कहा है। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि पवन खेसारी के घर पहुँचे थे, जहाँ काफ़ी घंटे तक पवन रुके रहे। वहाँ कीर्ति ने पवन को पापा कहा और पवन खेसारी के बेटे ऋषभ के साथ काफ़ी देर तक खेलते हुए नजर आए। बहुत सारे गिफ्ट लेकर गए थे, गाड़ी खिलौने, जहाँ ऋषभ देखकर बहुत खुश हुए। और जैसे ही उन्होंने गिफ्ट दिया ऋषभ को तो ऋषभ भी खुश हुए और दोनों ने एक साथ कुछ खेल भी खेला। और आप लोग जानते होंगे कि पवन को बच्चों से बहुत प्यार है, वो अक्सर बच्चों को देखते हैं तो उन्हीं में घुल मिल जाते हैं। तो हम लेकर आए हैं पवन और खेसारी से जुड़ी यही खास खबर, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ के जन्मदिन के मौके पर पवन सिंह उनके घर पहुंचकर हर किसी को सरप्राइज दे दिया था, लेकिन इसी के साथ बाकी दर्शकों को हैरानी तब हुई जब कृति ने पवन को पापा कहा। जी हां, सुनिए कृति का क्या कहना है। नहीं नहीं, खेसारी भैया गाएंगे और नाचेंगे। अगली खबर जुड़ी है जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली से। ये जुबली स्टार थे लेकिन अब एक फिल्म के लिए अलग हुए हैं, क्योंकि निरहुआ इन दिनों नेपाल में एक नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो आम्रपाली मुंबई में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और बहुत जल्द पवन के साथ भी उनकी एक अगली फिल्म देखने को मिलेगी आपको। लेकिन फिलहाल आम्रपाली से जब से निरहुआ दूर हुए हैं, आम्रपाली निरहुआ को बहुत मिस कर रही हैं, इसलिए एक तस्वीर हाल ही में आम्रपाली ने दर्शकों की डिमांड पर साझा की, क्योंकि आफ्टर ऑल काफ़ी समय बीत चुका है। निरहुआ कई सारे इवेंट में फिल्म के प्रमोशन के दौरान से ही अकेले दिखाई दे रहे हैं, आम्रपाली उनके साथ नहीं है। अब हर समय दोनों साथ में दिखते थे तो जाहिर सी बात है कि दर्शक तो मिस करेंगे ही, इसलिए दर्शकों के साथ साथ आम्रपाली भी अब निरहुआ को मिस करने लगी हैं। और उन्होंने ये बात बयां की है अपने सोशल अकाउंट इंस्टा से, जहां से उन्होंने निरहुआ के साथ अपनी एक बेहद ही प्यारी तस्वीर साझा की है, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर
तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनकी फिल्मी हमसफर आम्रपाली ने अपने इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट की, जिस पोस्ट में आम्रपाली ने निरहुआ को गले लगाए हुए नजर आई। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आम्रपाली निरहुआ के साथ गले लगकर फोटो शेयर की है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आम्रपाली ने जो फोटो शेयर किया है वो खास इसलिए है क्योंकि आम्रपाली ने दर्शकों के डिमांड पर निरहुआ के साथ ये फोटो शेयर की। जी हाँ, आम्रपाली ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन बॉक्स में लिखा है, पीपल आर द कमिटिंग की बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को साथ में फोटो देखे, और रियली गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी और दिनेश लाल यादव जी की ऑन स्क्रीन प्लेइंग को आप लोगों की तरफ से इतना सारा प्यार दिया जा रहा है, वी आर बोथ वेरी थैंक्सफुल एंड वी आर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और दर्शकों के डिमांड पर आम्रपाली और निरहुआ की ये फोटो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई है कि अब तक सिर्फ आम्रपाली के किए गए पोस्ट पर इसे 10,000 लोगों ने लाइक किया है। भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें, चलने का समय हो चुका है। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही ताजा तरीन सुपरस्टार से जुड़ी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।